मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइंग ऑफ यूनियन फैब्रिक। यूनियन फैब्रिक को ब्लेंडेड फैब्रिक भी कहते हैं। ब्लेंड का डेफिनेशन है कि ब्लेंड दो या दो से अधिक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स व प्रॉपर्टीज के फाइबर को मिलाकर बनाया जाता है। ये ब्लेंडिंग जो है वो तीन स्टेज पर की जा सकती है, या तो फाइबर स्टेज पर कर ली जाती है, या फिर यार्न स्टेज पे होती है, या फैब्रिक स्टेज पे होती है। अर्थात जब हम जब कपड़ा बनाते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है फाइबर टू फैब्रिक होती है, तो हम या तो प्रीवियस स्टेज पे कर लेते हैं इसकी ब्लेंडिंग, या फिर आफ्टर स्टेज पे करते हैं। अब है एम्स ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स। हमारा जो ब्लेंड बनाने का उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहले कपड़े की कीमत कम करना हम उद्देश्य मान सकते हैं। जैसे कि सस्ते जो फाइबर्स होते हैं उनको महंगे फाइबर के साथ में अगर हम ब्लेंड करके बनाएं तो कपड़े की कीमत कम हो जाती है। दूसरा, कपड़े की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। जैसे जो प्राकृतिक रूप से कमज़ोर जो फाइबर्स होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से मजबूत फाइबर्स के साथ अगर हम ब्लेंड कर दें तो कपड़े की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरा है कपड़े में स्पेशल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना। कपड़े को फैंसी लुक देने के लिए जो अलग अलग फाइबर्स में अलग अलग विशेषताएं होती है उनको अगर हम मिक्स कर दें तो कपड़े में एक स्पेशल इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। जैसे कि जो हम फिनिशिंग के थ्रू देते हैं, जैसे इम्बोज इफेक्ट है, बर्नट ऑफ इफेक्ट है, उससे कपड़े का जो है वो लुक बिल्कुल अलग हो जाता है। किसी भी इसको जब डाई हम करते हैं तब उसको अलग अलग तरीके से डाई करके भी हम इसको स्पेशल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे मान लो कॉट्स वूल है तो उसमें वूल पार्ट वाले को पार्ट को सफ़ेद रख दें और कॉटन वाले पार्ट को डाई कर दें, या फिर उसमें डबल शेड ले लें, लाइट एंड डार्क शेड ले लें, इस तरह से भी उसका डिफरेंट लुक कर सकते हैं। अब ब्लेंड्स बनाते वक्त हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या नियम होते हैं ब्लेंड्स की डाइंग के लिए? सबसे पहला है कि सही डाई स्ट्रिप का चुनाव करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक फाइबर का की जो अपनी विशेषता होती है, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हर किसी भी डाई स्ट्रिप से डाई नहीं की जा सकती है। प्रत्येक डाई स्ट्रिप से डाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो डाई स्ट्रिप है उसकी भी अलग अलग क्वालिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लेंड को डाई कर रहे हैं तो हमें सही डाई स्ट्रिप का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है कि केमिकल की मात्रा का ध्यान रखना। जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी भी डाई को लेते हैं या कपड़े पर हम उसको अप्लाई करते हैं तो कपड़े की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो डाई दी जाती है या उसके केमिकल्स लिए जाते हैं। तो ब्लेंड्स भी जैसे ब्लेंडिंग कितने प्रकार की होती है ये आपको मालूम होगा कि जैसे जो हम रेशियो, जैसे कॉटन और वूल फाइबर को हमने मिक्स करा है तो कॉटन कितने परसेंट में डाला है और वूल कितने परसेंट में डाला है। अर्थात इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिक्सिंग जो है वो 40-60 करी है, 42 अलग तरीके से करी गई है, या 50-50 करी गई है, या 32-70 करी गई है। वो डिपेंड करता है कि आपने ब्लेंडिंग जो है वो किस रेशो में कर रखी है, तो उसी रेशो में जो डाई एंड केमिकल्स का चुनाव किया जाता है। अब वेट ऑफ द फैब्रिक्स, हम जो डाई स्टफ्स वगैरह लेते हैं तो उसमें लिक्विड रेशो जो है वो भी बहुत मेन रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड का कंसंट्रेशन है उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे अलग अलग जो फैब्रिक्स होते हैं उसका जो ml रेशो होता है, मटेरियल लिक्विड रेशो होता है, वो अलग अलग डाइस के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। जैसे किसी का 1:15 है, या 20 टाइम्स हम कहते हैं पानी ले रहे हैं हम 20 टाइम्स, तो किसी में 15 टाइम्स लेना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सही तापमान और टाइम समय का चुनाव। अगर हमने सही टाइम और टेम्परेचर नहीं रखा है तो हमारा प्रॉपर ब्लेंड डाई नहीं होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि कॉट्स वूल है, उसमें वूल जो है उसका जो वूल पार्ट है वो बॉइलिंग के टेम्परेचर पे कम समय में अच्छे से डाई होता है, जबकि जो कॉटन वाला पार्ट है वो कम तापक्रम पर
अधिक समय तक अगर हम उसको डाई करते हैं तो वो अच्छे से डाई होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें तापमान का जो नियमन है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ब्लेंड्स को डाई करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट यूनियन फैब्रिक्स, कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण ब्लेंड्स हैं उनकी हम लिस्ट देखेंगे। तो हम कुछ जो महत्वपूर्ण ब्लेंड्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कॉटन प्लस वूल, कॉटन प्लस सिल्क, वूल प्लस सिल्क, कॉटन प्लस विस्कस रेयन, कॉटन प्लस एसीटेट, एसीटेट रेयन प्लस सिल्क या फिर वूल की भी मिक्सिंग कर सकते हैं। पॉलिस्टर को पॉलीमाइड के साथ लेके मिक्सिंग कर सकते हैं, पॉलीमाइड को सेल्यूलोज के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर पॉलीमाइड को वूल के साथ मिक्स करके ब्लेंड बना सकते हैं, या पॉलिस्टर और सेल्यूलोज का मिक्सिंग करके पॉलिस्टर सेल्यूलोज ब्लेंड बना सकते हैं, या पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स कर सकते हैं, या पॉलीएक्रिलेटाइल को वूल के साथ में मिक्स करके ब्लेंड बनाया जा सकता है, या फिर टेरिलिन को कॉटन के साथ में मिक्स करके टेरिकॉट बनाया जा सकता है, या फिर वूल को विस्कस रेयन के साथ बनाकर ब्लेंड्स बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ब्लेंड्स हैं उनके हमने यहाँ पर नाम डिस्कस करे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो एक यूनियन फैब्रिक है या ब्लेंड फैब्रिक है उसकी डाइंग के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें का हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम सारांश में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो फाइबर होता है उसकी अपनी अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमने मतलब समझा है, पढ़ा है हमने कि जैसे माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है जिसमें जो पर्टिकुलर फाइबर है उसकी लंबाई क्या है, कलर क्या है, डायामीटर क्या है, लस्टर क्या है, एब्जॉर्बेंसी कैसी है, उसका हीट इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, मॉइस्चर क्या है, सनलाइट इफेक्ट इफेक्ट ऑफ सनलाइट क्या है, या उसका जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम मेनली रहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं फाइबर की कि स्ट्रेंथ उसकी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, स्पनेबिलिटी क्या है, श्रिंकेज कंट्रोल कैसा है, और उसकी क्लीनिंग कैसी है, टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी है, रेजिलेंसी कैसी है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी कैसी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि उसका रिएक्शन टू एसिड या एल्कलीस या डायफिनिटीज, इफेक्ट ऑफ ब्लीच, एब्जॉर्बेंसी, अटैक ऑफ मिल्ड्यू, मॉथ, ये सारी चीज़ें हम को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहले हम ये ब्लेंड को टेस्ट करें कि उसमें पर्टिकुलर कौन सा ब्लेंड मिक्स है और कितनी मात्रा में मिक्स है, और फिर हम ये देखें कि उस पर हम ये हमने जब उसको मालूम कर लिया है कि ये पर्टिकुलर ब्लेंड है वूल प्लस कॉटन या जो भी हमने अभी डिस्कस करी, फिर उसके बाद अब डाई कौन सी एप्लीकेबल होगी उस पर, तो हमारे को डाइंग की भी पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो डायरेक्ट डाई है वो सेल्यूलोज फाइबर, मैनमेड फाइबर्स पर एल्कली अवस्था में जो है वो एप्लीकेबल होती है। जो मेन जैसे कॉटन है, विस्कस रेयन है, ये अच्छे से डाई किया जा सकता है। फिर इस तरह से एसिड डाई का हम देखें तो वो जो है एसिडिक कंडीशंस के अंदर प्रोटीन जो फाइबर्स होते हैं जैसे वूल है, सिल्क है, उस पर एप्लीकेबल होती है। फिर रिएक्टिव डाई हम देखें तो वो वूल प्लस सिल्क, इसके अलावा नायलॉन आदि पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। और अगर हम बेसिक डाई को देखें तो वो वूल प्लस वूल सिल्क, और अगर मॉडेंटिंग के साथ मॉडेंटिंग करने के बाद अगर हम उसको कॉटन फैब्रिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं उस पर उसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है। फिर मॉडर्न डाई को हम देखें तो वो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जैसे वूल है, सिल्क है, उस पर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा एक्रेलिक है, नायलॉन है, कॉटन है, इस पर भी मॉडर्न डाई एप्लीकेबल होती है। फिर एजोइक डाई को देखें तो नेचुरल एंड मैनमेड जो हैं सारे फाइबर्स उन पे एजोइक डाई जो है बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। फिर सल्फर डाई का हम देखें तो वो कॉटन और रेयन पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। वेट डाई जो है वो नेचुरल मैनमेड सेल्यूलोज जो है फाइबर्स उन पे अच्छे एप्लीकेबल होती है। और डिस्पर्स डाई हम देखें तो एसीटेट रेयन, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक फाइबर, उस पर इसकी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। तो आज हमने देखा कि जो ब्लेंड्स हैं वो
क्या होते हैं ब्लेंड्स, और उनके जब हम डाइंग करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम जो हमने जो लिस्ट महत्वपूर्ण ब्लेंड्स की देखी है उनको एक एक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।